अरे बड़े भैया खाली पेट मेरे तो दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू। अरे बड़े भैया आज मुझे भगवान बजरंगबली बाबा के दर्शन हो गए, मैं खुश हो गया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो स्वागत है मेरे व्लॉग में आपका और सबको गुड मॉर्निंग। तो काफ़ी दिनों बाद मेरा व्लॉग आ रहा है। आज मैं अपने भाइयों के साथ हूँ, बहुत पुराने पुराने। तो आज मैं आया हूँ ऋषिकेश। कितनी अच्छी लग रही है, हर हर भोले हर हर गंगे। ये व्लॉग करेंगे, रख रहा ये करेंगे। तो गाइस कितना अच्छा लग रहा है ये देखिए, हमारे श्री कृष्ण जी। आगे बढ़िया लगता है भाई, है बढ़िया लगता है यहाँ। तेरे को भी बढ़िया लग रहा? सुकून सब क्या मिलता है? सुकून। अरे तुझे मेरे क्या मिलता है? सुकून। अरे वो बोल नहीं रहा, क्या मिलता है अपने भोलेनाथ? इसी केस में कितना अच्छा लग रहा है देखो, एकदम शांति। तो अभी हम भैया से करवा रहे हैं खाने के लिए चकना। क्या भैया? बेल। काफ़ी शांत है यार, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है, बहुत सुकून है यहाँ पे। खाने में बेल नमकीन अच्छी है। ये चेक दिस आउट गाइस। अब यहाँ से हम जा रहे हैं राम झूले के लिए। ये सारे फोर ओ मेरे को मारी को मैंने देख ली वीडियो बना रहा मैं। तुम पिटवाओगे मेरे को? है चल चल चल। तो गाइस सारे ये पहुँच चुके हैं हम राम झूले के इस तरफ। कितने किलोमीटर चले होंगे हम पैदल? कितना भाई? मेरे हिसाब से चले हम 2 किलोमीटर हैं। और एक बार नीचे का भी चेक करो। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। हम आ चुके हैं पैदल चलते चलते, देखिए कहाँ से करीब करीब हम 2-3 किलोमीटर चल चुके हैं और अभी भी चल ही रहे हैं आज, क्योंकि हमने डिसाइड किया था कि गाड़ी से नहीं आज पैदल से जाएंगे। तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, सुकून है, बहुत सुख शांति है। तो ऋषिकेश में बहुत ऐतिहासिक जगह ऐसी हैं जो बहुत से लोगों को नहीं पता। तेरे को पता है दोस्त? ये देखो कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें बताता हूँ, चलो वहाँ पे चल के बताएंगे सारा कुछ। जय सियाराम। चलते हम काफ़ी अंदर आ चुके हैं, तो अब आगे का व्लॉग अब इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहे। तो चलो थोड़ा यहाँ पे विश्राम किया जाए। हमारे भोलेनाथ शिव शंभु देव का देव महादेव। ओ भाई साहब कितना ज्यादा हो ठंड, ठंडा नहीं हो ज़्यादा। हम यहाँ पे थोड़ा देर पैर डाल के गंगा जी में बैठे हैं थोड़ा, और यहाँ से आप मेरे पीछे व्यू चेक कर दिए, एक ये और सामने भोलेनाथ जी की तस्वीर, और जो यहाँ पे सुख शांति है ना कसम से कहीं नहीं है। इस भाई लोग कितना प्यारा है, कितना प्यारा, इसके लिए कोई लफ्ज़ कहेंगे आप अपने प्यारे महादेव के अवतार। ये देखिए जो नहीं समझ रहा मैं समझा दूंगा। ये जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे, लक्ष्मण जी तब का है जब संजीवनी लेके आए थे हनुमान जी। ये देखिए ये सब कितना प्यारा लग रहा है देख के। श्री राम जी के भक्त हनुमान जी कितने सुंदर प्रतिमा बना रखी है, बहुत ज़्यादा सुंदर। हमें एक भैया मिले थे जो आर्टिस्ट की आवाज़ निकालते हैं मोटू पतलू की, निकाल के दिया ना भैया। तो सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम। साथियों यहाँ पर मैं भगवान बजरंगबली बाबा के दर्शन के लिए आया था, भाई मिले तो सबसे पहले। अरे बड़े भैया खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलते। अरे बड़े भैया आज मुझे भगवान बजरंगबली बाबा के दर्शन हो गए, मैं खुश हो गया। मुझे माफ कर दो, आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। अरे मोटू ऐसा है मोटू, अरे समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। उड़ी बाबा मोटू, उड़ी बाबा हो ऐसा बात। होगी होगी होगी, निकाल देना दिमाग की बत्ती नहीं जलती उनसे। अरे बड़े भैया खाली फिर मेरे तो दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, क्या करूं। उन्हीं निकालो ये होगी होगी। आज का दिन है बड़ा सुहाना, औगी हुआ है ओलिप का दीवाना, अच्छा है। अरे हाँ भैया, भैया मुझे बचाओ। हाँ ये ऐसी बात है, मैं तो भूख लिया करे बाबा, ये भारत माता इस बिल्ले को कुछ नहीं आता रे, ये चल रहे बिड़ू बिल्ले के जले पर नमक डालते रे, ये ठाक चिकी ठाक चिकी। आओ वही बिल्ले तूने मुझे मारा,
बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, भाई का सपोर्ट। आपका चैनल का नाम क्या है? कुंदन संबल है मेरा फेसबुक चैनल, और इंस्टाग्राम पे भी कुंदन संबल है, जहाँ पर मैं मिमिक्री। तो भाई भाई का सब्सक्राइब कर लेना चैनल, काफी अच्छा लगा हो तो भाई का, भाई बहुत बढ़िया आदमी है, सपोर्ट मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, भाई का चैनल सपोर्ट कर लेना, और काफी अच्छी आवाज निकालते हैं यार। कसम से हमारे दुनिया में, भारत में टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, कसम से यार, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। तो सपोर्ट करना यार उनके चैनल को भी, जैसे आप मेरे को सपोर्ट करते हो हमेशा प्यार से, तो मजा आ गया मेरे को तो, काफी इतना टैलेंट है यार, इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो गाइस फिर से एक नई मार्केट, और यहाँ पे हमें मिल गए बाहर देश के लोग, ये देखो बाहर देश के लोग यहाँ पे आ रखे हैं, देखो बाबा जी, देखिए छोटी वाले बाबा जी, मजेदार थे बाबा जी का गेटअप कर रखा हुआ है। अगर वो नहीं हिलते ना तो मैं कसम से ये सोच रहा था कि वो स्टैचू ही है। तो चलो और आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। अभी 84 कुटिया का सफर, बड़ा मजा आ रहा है चलने में, क्यों गाइस आ रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है भाई, क्योंकि भाई काफी मस्त रोड है, यहाँ पे कोई है नहीं दूर दूर तक, आगे अपना राज है यार, मजे से चल रहे है, काफी शांति और जगह भी अच्छा लग रहा है मेरे को ये। तो भाई लोग ये है भूतनाथ मंदिर, देख रहे हो आप, यहाँ पे जरूर जाना जब आओगे तो। चलो 84 कुटिया की तरफ चलते हैं, यहाँ से सिर्फ थोड़ा सा ही दूर है, ज़्यादा नहीं है, भयानक जंगल है, काफ़ी डरावना है, मज़ा आने वाला है काफ़ी, तो बने रहना वीडियो में आखिर तक। यहाँ से सिर्फ 4 कदम की दूरी पे है। तो गाइस ये देखे पहुँची हम 84 कुटिया, सो काफ़ी अच्छा है, और ये राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर आता है। तो गाइस चलो चलते हैं अंदर, 84 कुटिया के बारे में जानेंगे थोड़ा। ये लोग अनफॉर्चुनेटली मैं कह जा रहा हूँ कि अब 84 कुटिया बंद है अभी के फिलहाल के लिए, पुरानी पुरानी कुटियाँ हैं, आर्ट गैलरी है, बहुत सारी चीज़ें हैं काफ़ी दिखाने के लिए, तो अभी अंदर नहीं जा सकते, बंद है, तो नेक्स्ट टाइम जब आऊँगा तो पक्का दिखाऊंगा। गाइस बच्चों ने देखो पकड़ लिया उन्हें अरे यार खतरे से खाली नहीं आया यहाँ पे भाई, हमारा डोन जाता हुआ वहाँ पे डिस्कस करता हुआ, क्या बात है क्या नहीं भाई लोग, कितना प्यारा लग रहा है, सो ब्यूटीफुल, जय सिया राम। थोड़ी देर रुकते हैं और कुछ खाते हैं, गोलगप्पे की शर्त लगी आज मेर में और मानू में, तैयार है? वो डर गया देख, पहली लगा ले थोड़ी सी लगा ले, हम ऑटो में बैठ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम अपने घर की तरफ, काफी मजा आ रहा है ऑटो में बैठने की, जिंदगी में ना हर चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हर चीज का, हर मोमेंट का मजे लो, तभी मैं बोलता हूँ फुल के जियो यार लाइफ। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ। गाइस हम बस में ट्रेवल कर रहे हैं, तो चलो बस में निकलते हैं यहाँ से और फिर अपनी बाइक पकड़ते निकलते हैं।